यहाँ मत थे का देश का तो बिंदी यहाँ पर आने में लगभग हमें 1 से 1.25 घंटे का टाइम लगे। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आपको दिखाओगे भाई अपना इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भाई, वाघा बॉर्डर। ये देख लो भाई गड्डियाँ पूरी भर भर कर रही, पूरा अल्लाह मचाने वास्ता। और यहाँ से काफी दूर तो हमें पैदल चलना पड़ेगा। ये पहले ठीक करे हमने लगवा लिया, अदरवाइज भाई बंदे बहुत तंग कर दे। गल लो भाई तिरंगा बनवाया तो लिया, बट टाइट टाइट सी फील हो रही इस टाइम, है ना? टाइट टाइट लग रही ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो पहले यहाँ ना जा कर हम ना, तो एंट्री इन्होंने इधर से कर दी लगा। भाई मिल गया अभी साथ में, और कहने लग गया क्या ब्लॉगर हो गया। महा ब्लॉगर नहीं, तगड़े वाले ब्लॉगर है भाई। और सब्सक्राइब कर दिया भाई जल्दी से, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम आ रहे भाई? हाँ फर्स्ट टाइम आ रहे विद फैमिली। चलो ठीक है भाई, कहाँ से? नोएडा से। अब पतला भाई है रही सामने पार्किंग, ये भाइयों का सीन ले दिया। अब तो मांगेंगे हॉट स्पॉट, सब्सक्राइब करना जरूरी बन गया भाइयों के लिए। पता है हराम ही हो बेटा। देखो भाई रस पूरा बढ़ता जा रहा, और शाम के बज गए 3:30। साथ में ही क्यों देखो आप, लाइन कितनी तगड़ी तगड़ी लग रही, और पूरा लमचाने वास्ता भाई, पूरा जोश भरा हुआ है बंदों में। भारत पाकिस्तान का मैच देखने जा रहे हो जैसे। ये अपने इंडिया का गेहूं है जो फसल है यहाँ पर, और जो वो सामने तारे दिख रही वो पाकिस्तान का आ गया। फ्लैग भी दिख रहा है, हाँ पाकिस्तान का फ्लैग भी। तो यार आज एक कमी सी छोटी सी जरूर लग रही कि अपना फ्लैग नहीं लगा हुआ है पाकिस्तान का, जबकि लगा हुआ है। अच्छा टाइम से लगेगा अभी? अपना टाइम से लगता है, टाइम से लगता। वो जो बड़ी बड़ी सी बाउंड्री हो रही ना, तो वो है भाई पाकिस्तान का एरिया, शाही किला भाई। तो ये है यहाँ पर कैंटीन बनी हुई है भाई, यहाँ पर अटारी बॉर्डर पे बाहरी, और ये रहा भाई यहाँ पर चेक पोस्ट 22 किलोमीटर ओनली। और सामने रहा भाई अपना सोरन जयंती द्वार। भैया गड्डी देखो BSF की कितनी खतरनाक है, ये तो 4x4 भी ऊपर लग रही। लो भाई अब आगे स्टेडियम में, और अंदर का जो नजारा है ना वो तो पूरा खचा खच भरा हुआ है। क्या सीन है। तो 4 बजने प्यारे भाई, और अभी जो है ना सीटें कुछ खाली हैं, और बीच में पिच अभी खिलाड़ी नहीं आए, उसका भी वेट हो रहा है। तो भाई कौन जीतने वाला है आज का मैच? हर्षित कौन जीतेगा मैच? हिंदुस्तान। ला भाई मेरा साला तो कह रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी टक्कर वहाँ क्यों पड़े हो चक्कर वहाँ, कोई नहीं है टक्कर वहाँ, ओनली इंडिया जीतेगा भाई। तो खचा खर्च बढ़ता जा रहा भाई स्टेडियम, ऊपर भी आर्मी वाले बंदे खड़े इस टाइम ना। पाकिस्तान की साइड तो कोई भी नहीं आया, बाकी मैं अभी ना खाली पड़े अभी बिल्कुल। तो वो रहे भाई सामने पाकिस्तान के खेत। भाई पहले थे नीचे, नीचे स्वाद नहीं आ रहा था क्योंकि खड़े होकर और जोश भरा हुआ था, तो आगे ऊपर थर्ड फ्लोर पे। एक बार आपको भाई स्टेडियम दिखा दूं, यहाँ पर पूरा खचा खच भर रहा पूरा भाई। टाइम भाई इस टाइम 5:15 बजे शाम के, और देशभक्ति का पूरा रंगा रंग कार्यक्रम इस तरह इस टाइम पूरे जोरों शोर पर भाई। आवाज तो मैं भी नारी हो इस टाइम, बट आप मजा लीजिए भाई इसका। एक टाइम में भाई इतना ज्यादा रस मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हम देखे रही तूने रस, तो आज देख ले भाई लाइव। अरे भाई कहाँ बैठे वो बैठे सामने वो आदमी भाई, ठीक है ना? भाई सामने भी अपने ध्वज को उतारा जा रहा है सामने भी नीचे से ऊपर से। पूरे 6:05 हो गए और सब लोग यहाँ से चलने भी स्टार्ट हो गए यार, मजा आएगा। गले भी मारे तो बैठ गए भाई यहाँ से यार। खत्म, बाय बाय। लो जी भाई रेलवे स्टेशन पे भी पहुंच गए, और पहुंचते ही भाई आपने दिखाया था कि यो इंजन लगने लग रहा है भाई इस डिब्बे से, तो इस तरह से फिक्स करता भाई। ये लग गया टॉर्चर फिट, और ये भी इसका मुंह हो गया इंगा टाटा। तो ये आ गई भाई अपनी गड्डी, और कजन और भी इतने सावधान है, चौकस है एकदम से खड़े हो गए।
तो भाई अंदर जाकर मिला अपनी सीटों पर बैठा हूँ पर जाकर गुड बाय। ओ भाई साहब, भारतीय रेलवे की एक बात है, प्रशंसा तो करनी बना भाई, पूरे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा दिया भाई यहाँ पर। तो गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। गया।